अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस खुशी की वजह से इंसान को वैसे ही खुश रहना चाहते हैं, जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम तो थोड़ा सा रेटिंग थोड़ी सी अच्छी आनी शुरू जाती है, ये कामयाबियाँ बहुत अच्छी रेटिंग है, वैसे वैसे मुझे खुशी महसूस होती है। लोगों को इसमें कम से कम वो चीजें देखने को नहीं मिल रही जो दूसरे प्रोग्राम्स में होती हैं। हम थोड़े से हट के काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर काम कर रहे हैं, तो कामयाबी और नाकामी तो खैर वो एक अलहदा बात है, लेकिन कामयाब लोग जो होते हैं ना वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और अच्छी बात है आप खुश रहा करें, हाँ खुश फहमी में ना रहा करें। और आप तीनों हमेशा ठीक होते हैं, दुरुस्त होते हैं, और आपकी बातें मजाहिया जरूर होती हैं, लेकिन उनको अगर बैठ कर सोचा जाए तो उनमें बड़ी डेप्थ होती है, बड़ी गहराई होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर कोई सीखना चाहे तो। अल्लाह रहम करे, कुछ मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारा आखिरी एपिसोड तो नहीं है। हम आपके वो सिपाही हैं जो बैक बर्नर पे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन अपने कप्तान के पीछे आप मेरे वो सिपाही हैं जो मुझे बचाए हुए हैं। जब कोई मुझसे पूछता ना कहाँ काम कर रही है, तो मैं कहती हूँ मैं नुमान एजाज साहब के साथ काम कर रही हूँ, तो ये हमारे लिए भी एक प्राइड की बात है सर। अच्छा, आपको आइडिया नहीं कि आप माशाल्लाह लोगों में कितने मकबूल तो है ही हैं, लोग आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं। भैया मैं आपको एक सच्ची और दिल की बात बताऊँ, हम अपनी अपनी जगह जो जो हमारी अपनी अपनी वैल्यूज है उसके हिसाब से हम अपने, आपको पता ही नहीं है उनकी फॉलोइंग कितनी। जी बिल्कुल, और कभी आप नीचे रिमार्क्स पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि लोग कितना इनकी बातों को इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। And you don't need anything. क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में हम मंगल को सुना करते थे गोश्त का नागा, लेकिन आपका तो उस दिन भी नागा नहीं होता। उस दिन भी आप क्योंकि गोश्त ही इतना है सर। वाह वाह, बस ये अल्लाह की खास रहमत है हम लोगों पे, अता है आप पे सर, आप पे अल्लाह की अता है कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का बाइस हमें अल्लाह ने बना दिया। और ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की इनकरेजमेंट है और आप लोगों के रिमार्क्स हैं, व्यूज जब बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम बेहतर से बेहतर बात कर सकें इस प्रोग्राम में बैठ के, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने ला सकें, और ये लोग बेहतर से बेहतर ह्यूमर क्रिएट कर सकें। नाकामी कामयाबी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैंने हमेशा उन लोगों को कामयाब होते देखा है जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है जी, जिन्होंने कभी अपने आप को अकेले कुल नहीं समझा, जिन्होंने हमेशा कमजोर के साथ खड़े हुए, जिनकी नीयत साफ, साढ़े बुजुर्ग कहते हैं उनके साथ नीयत साफ ही सपोर मंजिल आसान। अगर तुम अपनी जिंदगी च पॉलिसियां बना लो तो अल्लाह पाक तुहाड़े वास्ते अगे आसानियां पैदा कर देंगे और कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। जब आपका तवक्कल मजबूत हो जाता है और आपका ईमान पुख्ता हो जाता है कि देने वाली जात सिर्फ रब की है, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। एक दर बंद करोगे 70 खुलेगा, एक दर बंद तो 100 दर खुला। वही वाली बात है, आप कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। सुभान अल्लाह, बात इतनी खामोशी से करो कि समझ आ जाए। ये भी कहा करते थे कि सिर्फ कंधा जनाजे को नहीं देना, कंधा उस बेसहारा को भी देना है जिसको सहारे की जरूरत है। उसको सहारा दोगे तो अल्लाह तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। आज के मेहमानों को बुलाते हैं, गुफ्तगू थोड़ी सी सीरियस हो रही है। हमारे आज के मेहमान ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, मेरा बड़ा साथ रहा है दशक के दिनों में, पहली दफ़ा मुलाकात हुई यानी कि 29 साल हो गए उनके साथ, और हमेशा ख्वाहिश होती है कि उनके साथ स्क्रीन को शेयर किया जाए। वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर अयूब खोसा साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाएंगे। हमारी टेलीविज़न की एक उभरती हुई फनकारा हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, 7-8-9-10 सीरियल थोड़े से वक्फे में उन्होंने कर लिए। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा अम्मारा चौधरी साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला, इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। न्यू का तो खास तौर पे मैं मशकूर हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप इसके मेजबान हैं तो और ज्यादा मुझे खुशी। वाह वाह वाह, तो हमें देख के दुख हुआ आप? दुख तो कभी भी नहीं होता। अरे क्या बात है, लव यू। दुख हो सकता है सर? एक मैं क्या ख्याल आता है, नौमान भाई को इतने अरसे बाद मिलते, तो जब भी मिलते तो पहली बात कोई मेमोरीज कोई अच्छी कोई गुड मेमोरीज तो सारी अच्छी है, लेकिन सेंसर्ड है जानू, आपको बता नहीं। लाला के साथ आई मीन वी डिड दश्त टुगेदर व्हिच वाज 1992 और बड़ा खूबसूरत हमारा वक्त गुजरा हुआ है। ऐसी ऐसी मेमोरीज उससे वाबस्ता हैं और आज भी वो तस्वीर मेरे पास हर वक्त फोन में होती है। मतलब ये उस वक्त में जब बलूचिस्तान के अलावा कोई लोग गवादर को जानते नहीं थे। मुझे याद है अच्छी तरह, जब कराची से फ्लाइट ली और हम गवादर उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि जी
बेल्टे शल्टे बांध लीजिए, वी आर अबाउट टू लैंड। तो मैंने खिड़की से देखा तो यकीन मानिए नीचे कोई मुझे वो नहीं नजर आया, रनवे कच्चा रनवे, कच्चा रनवे और एक कमरे का एयरपोर्ट था बिल्कुल ऐसे, और उसके सामने हम उतरे और वो कहने को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज का गवादर और उसके गवादर, अभी कोई इत्तेफाक हुआ दोबारा गवादर का? नहीं, तो खैर काफी आना जाना है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है अय्यूब भाई? देखिए अभी गवादर ज्यादा डेवलप हो रहा है, डेवलप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी आपको याद होगा कि मैं भी था, आप थे और आबिद अली को अल्लाह मग़फ़िरत करे वो भी थे, हम उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर था उसके पास बैठे हुए थे। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि आज से 20-22 साल के बाद गवादर जो है वो अपने उरूज को पहुंचेगा, तो आप अपने लिए यहाँ पे प्लॉट ले लें। तो तब जो प्लॉट है वो तब मिल रहा था 5,000 रुपए का। ओए होए होए, तुमने कहा 20-22 साल के बाद यार कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक और 5,000 रुपए में। लेकिन तब भी हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका यहाँ पे प्लॉट है, तो आप लोग भी यहाँ पे एक प्लॉट ले लें। हमने कहा नहीं भाई। तो ज़ाहिर वो पूरे ड्रामा सीरियल में मुझे 40,000 रुपए मिले थे, पता नहीं आपको ज्यादा मिले या 14,000। मैं ज़्यादा सीनियर था नहीं, आपकी किस्तें ज्यादा थी और मेरी किस्तें कम थी। मैं 11वें में मर गया, याद है ये पहली से लेकर 24 तक थे। ओए होए, तो उनका काम ज्यादा मुझे याद है। वो टोटल जो स्क्रिप्ट था जब हमने, क्योंकि जहाज में कैरी किया तो टोटल स्क्रिप्ट का जो वजन था वो 22 kg था, 22 kg, 22 किलो का स्क्रिप्ट था, 22 किलो का। लोहे पे लिखा था? नहीं नहीं, इतना भारी उसके एपिसोड्स के। आप इकट्ठा करें ना प्लेंडा, इतना 24 किस्तों का 22 kg, सबके 22 kg। वो इतना कोई कंप्लीट स्क्रिप्ट था कि आप उसमें से अगर एक पेज भी निकाल दें और पढ़ते पढ़ते उस जगह पे आप रुक जाते थे कि यार यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है। तो आजकल क्या काम होता था सर? अब तो ऑन स्पॉट ही मिलता है, पढ़ लो कर लो पढ़ लो, सिर्फ अपना सीन देख लो बस, अपने अपनी लाइन है, सीन भी नहीं अपनी लाइन। और जिसके साथ सीन होना है वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाद में आएंगे। बाद में आएंगे, दीवार पे देख के बोलो। बस आप ये समझ लें कि ये यहाँ पे खड़ा है। हमारा साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है जिंदगी में? आजकल काम चल रहा है और थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है? नहीं अभी। अच्छा, तो क्या कर रही हैं, किसके साथ काम हो रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हो गए आपके? प्रोजेक्ट्स तो काफी सारे ऑन एयर हुए हैं, अभी एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ लाहौर से और ठाकुर साहब है उसमें। 12 सीरियल हैं आपके ऑन एयर? जी। अरे माशाल्लाह, सर 2017 से अब तक। आजकल तो फिर दो सीन वहां से करके आ जाता हूँ, फिर मैंने वहां जाना है, मैंने एक सीन, उसने वो 4 कमीजें गाड़ी में टांगी हुई। अगर आपको याद हो तो ये दौर हमने भी थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, जब नया नया NTM आया था तो उस वक्त हम लोग कराची में इसी तरह काम करते होते थे, 2 ही चैनल होते थे। लेकिन अब तो चैनलों की भरमार है और जिस बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 में से 2 प्रोजेक्ट ही अच्छे निकलेंगे। बातों का सिलसिला हमारा चल रहा है अय्यूब हुसैन साहब के साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और फिर वापस आके हमारा चौधरी साहब से कुछ बातें करेंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो कैसे आना हुआ मीडिया में? इत्तफाक। तो ये कैसे हो गया इत्तफाक? एक्चुअली मुझे जाना था जर्नलिज्म में। अच्छा। बट यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे लाराची के, तो बस मैं भी वहाँ पर गई। तो मेरे फादर जो है वो बहुत कंजर्वेटिव और लाइक बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं सारे दुनिया के काम करने हैं आपने, जिस तरह की मतलब आपने प्रोफेशनल स्टडीज करनी है आप करो, लेकिन मीडिया में नहीं जाना। अच्छा, तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा मुझे तो परमिशन नहीं मिलेगी ये वो। उन्होंने कहा नहीं आप खैर कर लो ना। फिर मैंने कहा यार मैं वाकई, मेरा माइंड भी नहीं है, मैंने कौन से सिलेक्ट होना है। दे दिया ऑडिशन, वहाँ पे मैं सिलेक्ट होगी। फिर खैर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट उसके बाद फिर मुझे खुद 1-2 जगह से ऑफर्स आ गई। सीरियल था, सिटकॉम था? सीरियल था। सीरियल था, एक पहले सीरियल था, सीरियल था, ठीक है, सीरियस भी था। लेकिन आपका रुझान PTI की तरफ भी था, पॉलिटिकली भी आप थोड़ा सा उनके लिए काम भी आपने बहुत किया। मैंने सोशल मीडिया में एज वॉलंटियर जो है वो काफी काम किया था उस टाइम, 2014 से मेरा उस टाइम ग्रेजुएशन चल रहा था। तो आजकल वो काम कैसे चल रहा है?
आजकल सब अपना वही आजकल कैसे चल रहा है तो वो जो जलसों में जो होता था वो आप उसका उसकी रिकवरी करती थी क्या करती नहीं नहीं मैं जो मैं सिर्फ ऑनलाइन जो भी ट्वीट्स वगैरह होती थी मैं वो करती थी सोशल मीडिया लेकिन इस वक्त मोरल कैसा है इस वक्त कैसे डिफेंड कर रही है अपनी पार्टी को मैं तो क्रिटिसाइज भी करती हूँ गलत चीजों के ऊपर जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर अप्रिशिएट भी करती हूँ छोड़ दीजिए सियासी बात ऑडिशन दिया और उसके बाद आप सिलेक्ट भी हो गई देन यू स्टार्टेड वर्किंग तो किसी का काम फॉलो करती हैं किसी को देखती हैं क्योंकि यहाँ तो इंस्टीट्यूट्स कोई नहीं है कोई सिखाने वाला भी नहीं है जो करवा रहे हैं उनको आता भी नहीं है सबको रेडीमेड काम चाहिए होता है तो कैसे कॉप अप कर रही हैं आप सारी इस सिचुएशन में अच्छा सर मैं इस मामले में ना थोड़ा सा लकी रही हूँ लाइक जब मैं फर्स्ट डे गई सेट पर तो वहाँ पर मुझे नौशाबा आपा फजल हुसैन जो काफ़ी बचपन से काम कर रहा है उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया फिर इमरान भाई इमरान अशरफ उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया कि आप इस तरह की इमरान अशरफ भोला भोला अच्छा अच्छा हाँ हाँ भोले को तो जानते जी जी भोले को जानते हैं इमरान अशरफ को नहीं जानते उन लोगों ने हेल्प आउट किया मुझे काफ़ी आजकल जो नई लड़कियाँ आ रही हैं ना वो स्क्रिप्ट जब मिलता है तो उससे सेल्फी लेके डालती है माई न्यू प्रोजेक्ट है ना तो सेल्फी वगैरह आप लेती हैं आप ऐसी लड़कियों को फॉलो क्यों करते हैं और किसको करूँ फॉलो मैंने अभी से मेरी बात हुई थी तो किसी पायलट से शादी करना चाहती हैं आप हाँ इनका एक बड़ा मशहूर है इसका अपना जहाज हो ये मैंने एक शो में बोल दिया था और बस वो खैर शो की काफी व्यूअरशिप हुई एंड देन उसके बाद इसी में बात अभी पे इसी वजह से हुई नहीं मेरे साथ हमारे चलते मेन वजह वो थी एंड देन वो अभी तक भी मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई भी मिलता है तो वो ये मेरे काम की बात नहीं करता या कुछ भी पायलट मिला आपको अच्छा पायलट से शादी करें डॉक्टर से शादी मत कीजिएगा क्योंकि हर डॉक्टर के हाथ में शिफा थोड़ी होती है अच्छी बात है तो कब तक इरादा है कुछ शादी अगर पायलट ना मिला तो फिर क्या करेंगे आप हाँ वैसे तो मेरा पायलट का भी इरादा नहीं है जिसके साथ डॉक्टर भी चलेगा बोल दिया था बट मेरे अम्मा अब्बा जिसे पसंद करेंगे अम्मा अब्बा जिसे पसंद करेंगे चलो नहीं हमारी दुआ है आमीन आमीन आप जो चाहें जो आपके हक में बेहतर है वो आपको आर यू सेटिस्फाइड अयूब खुसर साहब एक जो इतनी तवील जर्नी है मुतमईन है अनुमान जितना काम हमने किया उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ लेकिन आप यकीन करें जो आजकल जो काम हो रहा है ईमानदारी से बता रहा हूँ ये जो आजकल काम हो रहा है आप पिछले कितने सालों को इस आजकल में डालते हैं आजकल में मैं डालता हूँ कोई पिछले कोई 5 सालों में अच्छा सही कह ओके वो आप भूल जाते हैं अब ये काम हम भूल जाते हैं कि हमने कब किया आपको जरूरत होती है आप कहते चलो ठीक है आप प्रोफेशनली मैंने काम करना है मैंने अर्न करना है मैंने पैसे लेने हैं फिर आप उस हवाले से आप वो काम कर जाते हैं लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता सो यू वांट टू से कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं काम नहीं कर रहे आप ये कह सकते हैं कहीं कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कोई भी वजह लेकिन वो जो एक होता है ना कि यार क्या खूबसूरत काम है यार क्या अच्छी डायरेक्शन है क्या अच्छा कैमरा वर्क क्या अच्छी एक दोस्तों की सब ने मिलके एक अच्छी एक्टिंग यानी वो एक वो काम क्यों नहीं होता वो आपका वो काम ना आपके छोटे स्क्रीन पे हो रहा है ना आपके बड़ी स्क्रीन पे हो रहा है कहीं पे भी नहीं हो रहा सही कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा किसको अयूब साहब जिम्मेदार ठहराएंगे मेरा ख्याल है कि इसमें जो एक सेक्टर वो आ गया ना जो मशरूबात वाले घी तेल बेचने वाले साबुन बेचने वाले शायद वो अब डिक्टेट करते हैं कि भाई यार ये कहानी इस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल सही जब क्राइटेरिया मैरिट तो खत्म हो गया ना हर जगह अब अगर आप उनसे पूछेंगे जी उनको ड्रामे का क्या पता है उनके जी हमें मालूम नहीं कि ड्रामा क्या होता है लेकिन हमें ये है कि इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं या इस एक्टर के ज्यादा फॉलोअर्स हैं एक्ट्रेस के ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो बिक रहा है तो फिर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए फिर कैसे आप कह सकते हैं कैसे काम करेंगे सो यू बेसिकली आप अंदर से ना तो खुश है ना सेटिस्फाइड है बिल्कुल ऐसे ही है एक दौर में पॉलिटिक्स में चले गए थे मैं अभी भी हूँ पॉलिटिक्स अच्छा मैं अभी भी हूँ पॉलिटिक्स में मैं लास्ट इलेक्शन भी लड़ा हूँ 2018 में मेरे ख्याल में इलेक्शन कराची से लड़ा था क्या हुआ किस पार्टी की तरफ से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा कराची से और मैं हारा जैसे कि बहुत सारे लोग हार गए थे तो मैं भी हार गया No big deal. अच्छा हाँ, समझ गए आप हाँ हाँ तो उसके, उसके बाद बरकत आप ही समझ गए जी जी हम तो समझे हम तो रहते हैं कराची में तो मैं हूँ पॉलिटिक्स में अभी भी लेकिन बात ये है कि हमने शायद पॉलिटिक्स को अब बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट सॉरी जो हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं या बाकी जो लोग अब इसकी तरफ आ गए हमने पॉलिटिक्स को बड़ा गंदा कर दिया है हमने बाकायदा गालम गलोच तक चीज़ों को लेकर तो ये एक बहुत ही एक बुरा ट्रेंड चल पड़ा है गैर इखलाकी गुफ्तगु फरोग पा रही है हालांकि सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है सियासत अगर आप सियासत की तारीख देख लें हिस्ट्री देख लें तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा बड़ा काम है
क्योंकि सियासत के बगैर मैं नहीं समझता कि एक समाज और एक सिलसिला जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पॉलिटिशियंस, आपके सियासतदान एक माशरती मामलात को अगर वो ठीक नहीं करते होंगे तो फिर वो माशरा बिगड़ जाता है। अयूब साहब, आपको नहीं लगता वो जो इलेक्शन आप हारे, क्योंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, आपको वहाँ के हालात, वहाँ के जो मसाइल हैं उनको लेके वहाँ से खड़े होना चाहिए था, वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, तुसी उठ के आके कराची आके इलेक्शन लड़ते पे हो, ए साइंस में थोड़ी जी समझा। नहीं, ऐसा नहीं है नुमान, जो हम जितने भी जो बलूचिस्तान के हैं, हमारे कराची के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे मुझे कोई अजनबियत या कोई इस तरह से मुझे महसूस नहीं हुई कि मैं कराची में बिल्कुल। लेकिन जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जब आप पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पार्टी आपसे कुछ सवाल करती है जरूर, जब आपको वो टिकट देने की जब बात आती है। तो मुझसे ये पूछा गया कि वाई नॉट क्वेटा, वाई नॉट आपका अपना इलाका, वाई नॉट नसीराबाद, जाफराबाद। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कराची से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मेरे उस ख्वाहिश को उन्होंने, एंड व्हाई पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी तो यूं समझ लो अंदर में है मौजूद। अच्छा, बाबा अगला वोट हम आपको डालेंगे इंशाल्लाह। वो तो आप देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आर्टिस्टों को होना चाहिए सर, जो आर्टिस्ट क्यों नहीं लाइमलाइट पे है? नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए। मैंने किसी से मशवरा किया था, किसी से मशवरा किया कि मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, खबरदार। ओए होए, जिस सर आप एक स्ट्रेट माइंड के आदमी हो, आपकी बातें लोग नहीं। नुमान, एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, कि आप जैसे दोस्तों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अभी भी पॉलिटिक्स करते हैं, सच बोलते हो। देखिए देखिए, सच्चाई की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, जो कि बदकिस्मती से नहीं। सही कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया था सच बोलने का, तब्दीली लाने का, आप उनका भी तो अंजाम देख ही रहे हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि अगर आप झूठ बोलेंगे पॉलिटिक्स में तो फिर अंजाम यही होगा। अच्छा यूब सर, पढ़ाई में कैसे थे? कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? इंग्लिश, उर्दू, मैथ? कोई भी पसंद नहीं था। क्या बात है, आई लव यू सर। मुझे भी सर मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता था, और मैथ्स के सवालत भी हमारे जमाने में अजीब होते थे। अहमद के पास 5,000 रुपए हैं, रजिया ने अहमद को मुस्कुरा के देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे होंगे? जो बच्ची पढ़ती है माशाल्लाह, और पढ़ाती भी है बच्चों दूसरों को, कौन सी पट्टी आप तक पढ़ाई आपने? बिकॉज वी आर सो ब्यूटीफुल। ये बात सच है कि अम्मी के ताने और दुखी गाने हमेशा दिल पे लगते हैं। अच्छा सर, आप दूसरा दुनिया की हर चीज मिल जाती है सिवाय अम्मी की रखी हुई चीज के, क्योंकि अम्मी से जब भी पूछेंगे वो कहेंगी वहाँ रखी है। अब वो वहाँ है कहाँ पे वो पता नहीं चलता, वो अम्मू को पता होता है। इसीलिए बरकत अली का कोई रिश्ता नहीं आया। अच्छा, फरिश्ता आएगा इंशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू जी सरकार। अयूब खोसा साहब, हमारा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतना काम कर रही हैं, किसी को फॉलो करती हैं? मैं बिल्कुल करती हूँ। किसको? फीमेल में मैं करती हूँ सबा कमर को एंड माहिरा खान को, और मेल, और मेल में मैंने ये सर को, ये चीज मैंने पहले भी एक जगह कोट की थी, मैंने कहा था कि मैं एक तो सर के साथ काम करना चाहती हूँ, और मुझे सर का काम बहुत पसंद है। अरे अल्लाह, दुनिया को पसंद है, कोई शक नहीं। दुनिया अगर फर्ज करे मैं ना करना चाहूँ तो इंशाल्लाह कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो हम जरूर काम करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। हम तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर न्यू पीपल। ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि ये कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये पिछले 5 सालों में आपने किसी अपने सीरियल पे कॉम्प्रोमाइज लगा के मैं कर गया हूँ? बहुत सारी जगह पे करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज। अगर आप भी ये बात कर रहे हो, या मैं भी ये बात कर रहा हूँ, या बाकी हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं, बदकिस्मती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर हम एक अच्छा काम जो है ना वो उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अयूब साहब, बात और फिर अच्छा काम करने वाला कोई भी नहीं होगा। और मैं माफी के साथ, अभी जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जिनको बखुदा कुछ भी नहीं आता, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, गुड लुकिंग है, एक ही तरह का काम वो कर रहे हैं, मतलब वो जिस तरह से काम आपने किया या मैंने किया या हमारे बहुत से दोस्त कर भी रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि एक्टर का सबसे बड़ा इम्तहान तो यही होता है ना कि वो नुमान इजाज ना लगे, वो अयूब खोसा ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई, सवाल नहीं करता आज का जो एक्टर है। हम लोग सवाल करते थे ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, आज के एक्टर को सवाल करने की इजाजत नहीं है, करता भी नहीं है, करता भी नहीं है, इजाजत भी नहीं है, अगर करेगा किरदार के हवाले से हमें भी नहीं तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एक आपने प्ले किया, गुड़िया। जी, मेरी गुड़िया, और उन्हीं दिनों ये जैनब वाला भी केस हुआ था, तो हमारा भी बेसिकली जो प्रोजेक्ट था वो उसी के ऊपर था। जो सीरियल का एंड था उसमें उन्होंने जो मोहसिन अब्बास हैदर थे जो रेपिस्ट का कैरेक्टर कर रहे थे,
उन्हें मतलब पब्लिकली हैंग किया था. तो बेसिकली वो चीज़ उस चीज़ पर लेकर आए थे कि जो गलत करता है उसे एंड पर सजा भी मिलनी चाहिए. बिल्कुल, टांग देना चाहिए उसे. बिल्कुल, ताकि बाकी बहुत सारे लोगों के लिए को एक सबक मिले कि हमने ये गलत काम नहीं करना है. कोई ऐसी तहरीक है पाकिस्तान में जिसका आप हिस्सा बनना चाहोगे इन फ्यूचर? सर, एक फाउंडेशन है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है बहुत सपोर्ट करती है. अच्छा, ओके. मैं उन लोगों के साथ जो है मैं काफ़ी काम भी कर रही हूँ और लाइक वैसे भी सपोर्ट करती हूँ उन्हें. तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी वो हकूक मिलने चाहिए जिस तरह से हम सब नॉर्मल लोगों को. बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी. उनको आप एजुकेट करें, आप उनको एजुकेट नहीं करते. हाँ, हाँ. तो वो जब आपने उनको छोड़ दिया तो फिर वो जॉब कैसे, किस तरह की जॉब, फिर वो यही जॉब मिलेगी ना कि वो किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, किसी सिग्नल पे खड़े हो जाए. सर, उसके साथ साथ हमारे लोगों को भी बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि बेचारे अगर कुछ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें तंग करते हैं. किसी ने किया ना कि पाकिस्तान से तालीम दे उत्ते काम क्यों नहीं होता पे, तो मैं क्या, अगर लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता तो कौन नचेगा जलसियां च. तो आगे के क्या प्लान्स है? सुना जावेद शेख साहब ने एक फिल्म की ऑफर भी की थी और आपने इनकार कर दिया. बेसिकली उसमें कुछ पहले मेरे से जो कॉन्टेक्ट डिस्कस हुआ था उसमें यह था कि इसमें कोई सॉन्ग्स नहीं है, बिकॉज मेरे बाबा ने जब मुझे इसके लिए परमिशन दी तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने रखी थी कि इस बाउंड्री के अंदर करना है. तो मैंने उन्हें बोला कि मैं डांस नहीं कर सकती, तो फिर इस वजह से मुझे मना करना पड़ा. कजिन की जब शादियाँ होती हैं और ये वो फंक्शन होते हैं तो उन पर आप नहीं जाती? नहीं, डांस नहीं करती. अच्छा, कभी भी नहीं किया? अच्छा, किया भी नहीं और आता भी नहीं है. पता क्या, मेरे बच्चे ये एक्सक्यूज ज्यादा बेहतर है देनी कि मुझे आता नहीं और मैं कर नहीं सकता. उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर नेगेटिव कमेंट लिया जाता है. बात को समझिएगा, अगर मुमानियत डांस पे है तो मेरे ख्याल में घर से मुमानियत एक्टिंग पे भी होनी चाहिए. हमारा फोक डांस नहीं होता, होता है ना सर. मसला ये है ना कि चले अगर हम बात करते हैं कि ये डांस हमने करना है, जो लिबास हम पहन कर करेंगे वो उनका बिकेगा. बेटे, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो आप पे मुनसर है ना. वो तो डिस्कशन का हिस्सा बन सकती है ना बात. अगर तो आपको ऐसा कोई चीज ऑफर की है जिस पे इनकार बनता है तो फिर मैं अग्री भी करता हूँ. लेकिन अगर ये कह के किया जाए कि मुझे घर से टीवी पे आने की इजाजत है, टीवी पे डांस करने की इजाज़त नहीं है, ये बड़ा एक उसमें नुमान ये कि करेक्टर है ना, आपका दिल करे आप हाँ, करेक्टर करें आप तो करे. अब मैंने एक मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या किरदार था, डर सी जाती है सिला में बेटे. लेकिन कहने का मकसद है वो किरदार था और उसको जब किया तो उतनी लानतान हुई. वो लानतान मेरे काम की कामयाबी थी क्योंकि वो लोग उससे रिलेट कर गए. तो ये ऐसे ही है काम में, तो कोई भी अर्ज नहीं है. हमें तो दुनिया के मुख्तलिफ किरदार करने पड़ते हैं ना, ये तो वर्सेटिलिटी है. अब बच्ची बोल के पछता रही है. पायलट की बात करें कि कौन से जहाज का पायलट आपको चाहिए, लेकिन ये बात बड़े पते की थी, आप इसको बांध लें बस. अयूब साहब हमारे एक डाकिया भाई हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम में और वो आके सुनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहां पहुंचे जहां उसने पहुंचना है. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं. बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी डाकिया साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सरकार अयूब खुसर साहब, अमारा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम एक बीमार बंदे का पैगाम है. अल्लाह खैर. उस बेचारे को दवाइयां जो है ना वो मार्केट से बड़ी महंगी मिल रही हैं. हाँ. और हमारा मेडिकल शोभा है उससे भी उसको थोड़ा मसला मिला है, शिकवा है, शिकायत है. वो कहता है जी के मुक गए ने रैम हुन, मुक गई भलाई है, जान इथे सस्ती महंगी इथे दवाई है. बिल्कुल एग्री कर रही है. ते बीमारी नाल बंदा दसो तुसी किंज लड़ेगा. हाँ सही बात है. दवाई ले लवेगा ते ढिड कित्थों भरेगा. अल्लाह हू अकबर. 20 वाला पत्ता 300 का हो गया. ते सरकारी अस्पतालां च ना पुछ ना प्रीत, ताइयों उथे बचदा कोई कोई मरीज. ते फट देनी छेती सारा अमला ही सुस्त, दवाई सारी बाहरों लैनी ना दई मुफ्त. ऐसे ही है. ते मार मार सुइयां नाल अन्ने वाह ने लभदे, ते नर्सां ने सख्त मिजाज दिया रख दे, ते मरीज दी ते नब्ज भी फड़ के नहीं वेंदे ने, दूरियों नू वेख के दवाई लिख देंदे ने, ते होरे केड़ी गल तो गार्ड रेंदे अके ने. एक ते बीमार बंदा उत्तों देंदे धक्के ने. हाय हाय ऐसे ही है. ते ओनी महंगी पर्ची ते अंदरों नहीं लभदी जिन्नी बैठी दुनिया पार्किंग ते ठगदी. हाय हाय हाय. पर एक गल बोलो, साडे डॉक्टर ने तगड़े
ਕੋਰੋਨਾ ਚ ਵਿਖਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਆ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹ ਲੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚਬੜੀ ਉਧੇੜਤੇ ਹੈ ਅਬ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਔਰ ਇਸੀ ਬਾਤ ਪੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਕਭੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਘਰ ਮੇ ਸਕੂਨ ਸੇ ਮਰਨੇ ਦੇਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ ਜੀ वेलकम बैक टू जी सरकार अयूब खोसा साहब हमारा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सामिया जी शुरू हो जरा थोड़ा सा हमारे सितारे के बारे में क्या सितारे कहते हैं सचमुच बे इंतहा प्योर सोल हैं यार इंतहाई मासूम आदमी मैं कहूंगी कि जो है यहाँ पे मैं जैसे इनके लव स्टार्स को रीड कर रही थी तो ऐसे लगता है कि क्योंकि हाईली इमेजिनेटिव रोमांटिक आदमी क्योंकि शायराना ख्यालात रखने वाला आदमी लेकिन एक कच्चा चोर जो बेचारे जो है ना वो कामयाब ना हो सके उसमें जो है एक तिश्नगी नजर आती है ओए ओए मोहब्बत में नाकामी फैमिली लॉयल्टी बेपना वो तो खैर बच्चों की माँ भी बाप भी ये और ये तीन फील्ड्स में बड़े सक्सेसफुल और भी हो सकते हैं मतलब सियासत में कंस्ट्रक्शन में कोई भी फूड रिलेटेड काम इनको बहुत रास आएगा बकायदा यू भाई हमने तुसी ते कुकिंग भी कर लेंदे हो यू डू एवरीथिंग मैंने किसी एक चैनल पे उसका बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ भी बैठा हुआ रहा एग्जैक्टली हालांकि उसने मुझे कुछ हमारे सेलिब्रिटीज ने रिश्वत देने की कोशिश भी की हां हां सच्ची बात बता क्यों नहीं इस फील्ड में गए क्यों नहीं ये मैं जाना चाह रहा हूं शायद को मौका नहीं मिला मेरे पास शायद पैसे कम है इस वजह से अच्छा सिर्फ म्यूजिक में क्यों नहीं कुछ करने की नहीं म्यूजिक में तो मेरा ज़ौक तो आपका बड़ा आला होना चाहिए नहीं तो सी जरा मुंह नाल बजांदे होंदे सो चंग हां चंग हमारे यहां तो आप समझते हैं चंग जी 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 हमारे यहां वो खत्म हो गया है यहां पे हमारे पास जो अगर आप म्यूजिक के हवाले से बात करती हैं तो कुछ एक मशरूबात की कोई कंपनी है उसने जो हमारे फोक म्यूजिक के साथ जो बुरा हशर किया है ओए 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 हमने अपने फोक म्यूजिक को हमने अपने फोक स्टोरीज को हमने अपने जो हमारा जो एक कल्चरल जो हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो ड्रेसेस हैं हमने उसमें जो मुदाखलत की है और इतनी बुरे तरीके से हमने मुदाखलत की है जिसको फ्यूजन का नाम दिया फ्यूजन में आपने अपनी ओरिजिनलिटी को तबाह कर दिया ना यार इसमें जरा ये कलर डाल दें भाई आपको ये अख्तियार नहीं है जो चीज आपके पास चली आ रही है ओरिजिनल इज ओरिजिनल जो ओरिजिनल बात ये है कि आप अपनी चाहे कोई भी इदारा हो हुकूमती सतह पे हो उनको चाहिए जितने भी चैनल्स हैं उनको चाहिए कि अपनी कोई एक ऐसी एक वो तय कर लें कि जिसमें जो आपकी जो ओरिजिनल चीजें हैं उसको बिगाड़ उसमें नहीं आना चाहिए जिसको अपने सकाफत अपने कल्चर और अपने मुल्क से प्यार होता है वो इसी तरह कुड़ता है इसी तरह बोल जो जिनको मोहब्बत नहीं होती वो नहीं कुड़ते वो कहते हैं दफा करो होने दो जो हो रहा है हमारा क्या जा रहा है लेट इट जी मेरे बच्चे के हवाले से बताइए अच्छा जी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ टुवर्ड्स डेस्टिनी एम्बिशियस भी हैं इनका एक तो अपने दिमाग की बड़ी दही करती हैं ये इनको बंद करना पड़ेगा वरना जो है वो कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं वो काम करेगा क्योंकि वो इतना कुछ सोचता है और ज़्यादातर पहला थॉट ही कभी नेगेटिव आ जाता है नहीं होना एक काम ऐसे थोड़ा सा दिमाग का जो प्रोसेस है ना उसको स्लो करना पड़ेगा ना तो मेरे बेटे किसी चीज़ में डालनी ही नहीं चाहिए जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव ही होता है थिंक बिग वाओ थिंक ब्यूटीफुल और अल्लाह पाक आसानियां पैदा पायलट आएगा नहीं जिंदगी में और हाँ सीख ले कोई बात हो हाँ ठीक है ओके चलो स्कर्ट करूंगी समझ नहीं बहन जी कह दिया सर इनको जब मैं इनका रिलेशनशिप हाउस देखती हूँ तो वो एक गाना सा याद आता है कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो जी को जलाए सताए रुलाए कि जो है मोहब्बत को ऑर्बिट नहीं बनाना चाहिए
इनका करियर हाउस ऑसम है, अपनी सारी एनर्जी को अपने करियर पे लगाते हैं। हाँ, दुनियादारी के लिए बहुत अच्छी बात, जहाँ रिश्ता तय हो। और मैं चाहूंगी कि अच्छा है कि माँ बाप की मर्जी से हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि खुद का जब इल्यूजन ब्रेक होता है वो फिर ज्यादा दर्द होता है, फिर दिल आजारी होती है। वो जो कह रही है उसको समझिए, अपने फ्यूचर अपने करियर पे फोकस कीजिए और बस मोहब्बत से दूर रहूं। अच्छा, ओके, छोटे छोटे सवाल है बच्चे आपसे। सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च करती हैं? मैं शूज पे। शूज पे, वैसे सेहत पे अगर करें तो ज्यादा फायदा। हाँ। सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? पीटीआई। आजकल का कोई फैशन जिससे आप खुश नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? सर, ये जो आजकल लड़के लड़के कम और लड़कियां ज्यादा लग रहे हैं, जो उनके मतलब हेयर लेंथ है और जिस तरह से लाइक वो आईब्रोज अपनी करवाते हैं, मतलब वो समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। जो जो जमीन पे खड़े खड़े जहाज उड़ाते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या खुराक होनी चाहिए इनकी? बस हमारा खुराक को देखा ना करें, उसको खाया भी करें। जैसे, 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 जैसे हनी खुद करता है। ये तो होटल में खाना खाने जाते हैं, इनको देखे चरगा चादर उड़ लेता है, यार ये कहां से आ गया। अच्छा, इन अदाकारों की क्या खूबी या चीज आपको बड़ी पसंद है? सबा कमर साहिबा, उनकी पर्सनैलिटी। जरा नूर अब्बास साहिबा, मैंने उनका काम ज्यादा नहीं देखा। अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वो भी यही कह रही थी। सज्जल अली साहिबा, उनकी एक्टिंग। बिलाल अब्बास साहब, वो बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है। इमरान अशरफ साहब, बहुत हम्बल है और बहुत अच्छी एक्टिंग है। वहाज अली साहब, बहुत स्वीट और बहुत अच्छे एक्टर है। तो इन सबको आपको लगता है कि शुगर हो जाएगी आगे जाके? नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। सर, छोटे छोटे सवाल इसी तरह के आपसे, ठीक है? कोई है ऐसा किरदार जो मन को बहुत छुआ हो, जो मेरे नुमान मेरे बॉस से पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली? दश्त में उसे के बाद एक नाखुदा ले, और बहुत बहुत प्लेज ऐसे मैंने, बहुत प्लेज ऐसे। इन अदाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी खान साहब, उस्ताद मोहतरम, मतलब आपके पास अल्फाज नहीं होते? मेरे पास तो नहीं होते, बखुदा मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही। सर हसन नियाजी साहब, हसन नियाजी गुड एक्टर। अदनान शाह टीपू साहब, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान, गुड मैन। दी लाल चैन, साजिद हसन साहब, अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा। सर, कोई ऐसी, आप गए हैं पाकिस्तान से बाहर, तो कैसे पहचान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है? मैं कैसे कहूं, पाकिस्तान में जो काम कर रहे बाहर भी वही कर रहे होंगे। मसलन, वाह वाह, मसलन छोड़ दे। आप क्या समझते हैं कि अगर आपके बाल ऐसे ना होते तो इतनी शोहरत मिलती आपको? क्या मतलब बालों से? इनके बाल थोड़ी डायलॉग बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि फ्रिज में से निकाला आगे, ऐसे ही अनुमान है। अभी भी ये नहीं हुआ कि मैं कोई बालों को ये कर लूं या वो, अभी खत्म होते जा रहे हैं, वानी की तरह होता जा रहा है। झुकवाने का सोचा? बाल लगवाने का, यानी कि मैं पूछूंगा आपसे फिर करूंगा। ओके, नहीं लेकिन इस तरह के बाल उगेंगे कैसे? ये मेरे रब की कुदरत। नेगेटिव कोविड या पॉजिटिव कोविड? मेरा मतलब नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? मुझे नेगेटिव रोल ज्यादा अच्छे लगे। नेगेटिव अदाकार ना होते तो सर सियासतदान होते या कुछ और होते? बिल्कुल सियासतदान होता मैं, और बल्कि मैं कभी अभी सोचता हूँ कि मुझे बहुत पहले सियासत में आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए था। फिर वो अगर इसमें ना होता तो बैंक में मैं कुछ अच्छा रहा, शायद मैं बैंकर होता। इतने साल बैंक में आपने 15 साल जॉब की है बैंक में? 15-16 साल। अरे वाह, प्रेसिडेंट तक तो पहुंच ही जाते सर अगर आप कंटिन्यू करते। पता नहीं, अगर ताल्लुकात खराब होते तो कहीं बीच में ही रह जाते। आजकल तो ये है ना। वेब के बारे में क्या कहेंगे, जो आजकल काम हो रहा है बहुत ज्यादा वेब के ऊपर? दूसरा सवाल। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था सर? मुझे तो याद नहीं है। याद मैंने भी नहीं है बच्चे। मैं इसी वास्ते किसी इंटरव्यू द प्रोग्राम से नहीं जानता कि कोई पूछ ही ना ले। तो सरकार इससे ये, आज की गुफ्तगू से ये जाहिर होता है कि अपने बच्चों को वोट देने वाला नहीं, वोट लेने वाला बनाए, क्योंकि एक मरतबा कामयाब हो गए तो बस फिर लंबी अयाशी है पूरे ख़ानदान की। अपना खास ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी सरकार की, सर थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी जुमले का कोई जवाब मेरे पास वैसे है लेकिन अभी आप मार गए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब खोजा साहब, थैंक यू।